सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 12 नवंबर। परमेश्वर की भक्ति का राजमार्ग। परमात्मा की पहचान जिससे होती है वो ज्ञान, अन्य ज्ञान तो केवल शब्दों का आडंबर होता है। परमात्मा को हम केवल ज्ञान से पहचान नहीं पाएंगे, भक्ति करने से ही उसकी पहचान हो पाएगी। जैसे गाय आती है तो उसके पीछे उसका बछड़ा आ ही जाता है, उसे अलग से बुलाना नहीं पड़ता। उसी तरह भक्ति करने पर ज्ञान अपने आप पीछे आएगा। अब भक्ति कैसे करनी है ये देखा जाए। जो भगवान से विभक्त नहीं रहता वो भक्त। देह को केवल कष्ट देने से वैराग्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि जिस स्थिति में भगवान हमें रखेंगे उस स्थिति में आनंद से रहना यानी बैरागी होना है। सुख में रखा तो आसक्ति बिना रहे तो ठीक। वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रपंच छोड़ना नहीं पड़ता। साधु संत भी प्रपंच छोड़कर नहीं रहते, जबकि हमसे भी उत्तम प्रपंच वो करते हैं, परंतु मन से उन्हें उसमें आसक्ति नहीं होती। अंतर मन से जो आसक्ति रहित हुआ उसे ही सच्चा वैराग्य प्राप्त हुआ, ऐसा होता है। अंग में भस्म फांसने से वैराग्य नहीं आता। देह को प्रारब्ध पर और भगवान के भरोसे छोड़कर रहना यही वैराग्य है। किसी भी चीज की हवस न रखते हुए जो स्थिति प्राप्त होगी उसमें आनंद से रहना यानी परमेश्वर की इच्छा मानना है, और ऐसे रहें तो अपने आप भक्त हो जाते हैं। वैसा होने का राजमार्ग यानी नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण पर विश्वास रखना चाहिए और वो विश्वास से लेना चाहिए। गुरु ने यदि नामस्मरण करने के लिए कहा होगा तो वही करते रहो और उसी में उन्हें देखो, यानी जो भी दिखाई देगा वो गुरु रूप ही दिखाई देगा। ऐसा होने से सब स्थानों पर गुरु ही दिखाई देने लगते हैं। अच्छी जगहों में रहें तो वो दिखाई देते हैं, और बुरी जगहों पर होते हैं तो वो दिखते नहीं, ऐसा नहीं। सब जगहों पर गुरु रूप दिखाई देने लगता है तो दुनिया में बुरा ऐसा कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि बुरे के लिए जगह ही नहीं बचती। नाम स्मरण ये साधन है और साध्य भी वही है। दूसरे किसी ने कुछ भी बताया तो उस पर विश्वास न रखें। नाम स्मरण यही सत्य है, उसी पर इतना विश्वास रखो कि उसके सिवा जग में दूसरा कुछ नहीं। इतना विश्वास अंगीकृत हो जाए तो भगवान दूर नहीं, तुम्हारे पास ही है। प्रपंच पर जो आसक्ति करते हो वो वहां से निकालकर परमार्थ पर रखें तो परमार्थ कठिन नहीं। गुरु को अनन्य शरण जाना यानी अपना मैंपन नष्ट करना ही है। मैंपन का समूल नाश हुए बिना अनन्य शरण नहीं जा पाएंगे। मैंपन गुरु ने बताए हुए नाम स्मरण करते रहने से जाता है, इसलिए सतत नाम स्मरण करते रहें। वैराग्य वृत्ति में होता है। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष रहना और अन्य कुछ नहीं चाहिए ऐसा लगना, ये वैराग्य है। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।